दाता हूँ और मेरा पिता बागवान है और हम सब लोग डालियां हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के चारों पाठ हमारे सामने एक स्पष्ट रूप से चित्रित करता है कि पिता बागवान है और ईसा मसीहा दाखलदा है और हम सब उस दाखलदा की डालियां हैं। और हमें मालूम है कि डालियों को पेड़ से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह से पेड़ पर निर्भर रहना चाहिए। विधि विवरण ग्रंथ में हमने पढ़कर सुना है, यदि तुम ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे, वह तुम्हें महान बनाएगा। प्रवक्त ग्रंथ हमसे बताते हैं कि जो ईश्वर में रहते हैं, वह सम्मानित होगा। चारों पाठ एक जैसे कहता है कि ईश्वर के अलावा हमारा कोई अस्तित्व या जीवन नहीं हो सकता। आज हम सिर्फ दो शब्दों के बारे में सोचेंगे, छांटना और काट देना, pruning and cutting away। अधिक फल उत्पन्न करने के लिए ईश्वर हमें छांटते हैं और जो नई फल देते हैं उसे काट देता है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से हमने पढ़कर सुना है, यदि कुछ डालियों को तोड़कर अलग कर दी गई और आप जो जंगली जैतून उसकी जगह पर कलम लगाए गए और आप जैतून के रस के भागीदार बने हैं, तो आप डालियों को बढ़कर ना समझे। यह जैतून शब्द का मतलब है ईश्वर, डालियां के मतलब है इसराइल और जंगली जैतून गैर यहूदियों को और विशेष रूप से आज के संदर्भ में हम सब लोगों को अभिवेदन करते हैं। इसराइल इसलिए काट कर अलग कर दी कि वे मसीह में विश्वास नहीं किया और उसके द्वारा दिया गए मुक्ति और मोक्ष पर भी। जंगली जैतून से काट कर अपनी प्रकृति के विरुद्ध असली जैतून में कलम लगाए लोग हैं हम सब। इसका मतलब है हम ईसा मसीह में रहने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी उसने हमें अपनी दया से उनके साथ रहने के लिए मौका दिया है, इसलिए हम ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहे ताकि हम कभी भी ईश्वर से अलग ना हो जाएं। संत योहन के सुसमाचार के द्वारा ईसा हमें कहते हैं, जो मुझ में रहते हैं और जिसमें मैं रहता हूँ वह बहुत फलता है और जो मुझ में नहीं रहते हैं वह काट देते हैं। आज के पाठ में रहना शब्द 7 बार आते हैं। हम यह सोचेंगे कि रहना शब्द का अर्थ क्या है। जब बाहर से कुछ लोग हमें देखते हैं, उन्हें लगता है कि हम दाखलदा की डालियां हैं, लेकिन हमें जानते हैं कि हम कभी भी पेड़ पर रहने वाले डालियां नहीं हैं। वास्तव में ईसा मसीह में कौन निवास कर रहा है? जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं वे ईश्वर में रहते हैं, ना कि जो केवल दिखावे के लिए करते हैं। ऐसा होना की संभावना है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं तो भी शायद हम ईश्वर से जुड़े नहीं रहते होंगे। जब हम संत पौलुस के जैसे कहता है, मैं अब जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, यह है असली आध्यात्मिकता। ईश्वर में रहने के लिए एक गहरी आध्यात्मिकता अपनाना की जरूरत है। डालियां पेड़ से आनी चाहिए, पेड़ से अलग ना होना चाहिए, क्योंकि यह एक फ्री फ्लोटिंग स्पिरिचुअलिटी नहीं है। There is no free floating spirituality। ईश्वर के बिना हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अकेले आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ईसा में रहना एक कम्युनिकेशन एलिमेंट बनाता है जिसको मानव दैवीय रिश्ते के बाहर अस्तित्व नहीं है। ईसा कहते हैं कि यदि तुम मुझ में रहे तो
जो मांगे वह तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि हम कुछ मांगते हैं और हमें नहीं मिलते हैं, इसका मतलब है हम ईश्वर में नहीं रहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि ईसा में रहना एक मुफ्त सवारी है, those who think that abiding in Jesus is a free ride, ईसा कहते हैं यह नहीं है, क्योंकि अच्छा फल देने से पहले चंदाई का दर्द सहना ही पड़ेगा। आज के चारों पार्ट वास्तव में हम हर एक के लिए ईश्वर पर निर्भर रहने का एक निमंत्रण है। आप लोगों को ईश्वर पर अस्वीकार करते हुए निष्फल हो सकता है, और ईश्वर पर स्वीकार करते हुए ईसा में रहते हुए फलदायी हो सकता है। फैसला तो आपका है। हम एक अच्छा फैसला लेकर ईसा मसीह में रहने के लिए कृपा के लिए ईश्वर से मांगें। ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।